नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता द्विवेदी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको नाश्ते में पोहा तैयार करना सिखाएंगे। आप झटपट कैसे पोहा बनाएंगे ये हम आज आपको बताएंगे। आइए तो आप सीखते हैं। पोहा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है, हरा मिर्चा मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके ले लिया है, आधी कटोरी मैंने मूँगफली ले लिया है, नमक आप स्वादानुसार डालेंगे, एक आलू को मैंने कट करके ले लिया है। दोस्तों, अगर आपको पोहा में आलू ना पसंद हो तो आप ना डालें। आधा चम्मच मैंने राई ले लिया है, यहाँ पे मैंने मटर ले लिया है, हरी मटर आधी कटोरी, हल्दी पाउडर मैंने ले लिया है। पोहा मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिया था, अच्छे से फूल गया है। इस तरीके से आप कर लेंगे। 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है, ऑन कर दिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले हम आलू को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आलू को मैंने पका लिया है। इस तरीके से आप फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने कढ़ाई में मूंगफली भी डाल दिया है, अब इसे भी फ्राई कर लेंगे, हल्का ब्राउन कर लेंगे। देखेंगे मैंने मूंगफली और आलू को फ्राई कर लिया, जो तेल बचा है अब हम इसी में तड़का डाल देंगे। सबसे पहले सरसों डाल देंगे, मिर्चा भी डाल देंगे, करी पत्ता भी डाल देंगे इसमें। हरी मटर को भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल देंगे। अब हम इसे पका लेंगे हल्का सा। मटर को मटर हमारी पक गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसमें पोहा डाल देंगे। मूंगफली आलू को भी डाल देंगे इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे आधा चम्मच, और हम इसे 5 मिनट के लिए हल्का सा ढक देंगे। ढक करके गैस को कम करके रख देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट हो गया है, पोहा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। पोहा हमारा बनके तैयार हो गया है। हरी धनिया के पत्ते से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप झटपट तैयार कर सकते हैं पोहा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।